CGPSC ने स्टेट सर्विस एग्जाम 2018 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं अच्छी और बुरी बातों को और साथ में इस पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है आरोहण के बेहद ही खास सेगमेंट जॉब पिंग। ओके, बिफोर यू बिगिन, आपको तो पता ही ना क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। जिसको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा मिल सकता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि CGPSC का पूरा पूरा कवरेज आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। और साथ में डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गुड न्यूज़ कौन कौन सी है। CGPSC ने स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसको 1 अक्टूबर 2018 को ही रिलीज़ कर दिया है। ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि जैसे पहले अनाउंसमेंट CGPSC ने की थी उसके हिसाब से CGPSC इस नोटिफिकेशन को 26 नवंबर को अपडेट करने वाला था, बट इन्होंने ये नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज़ कर दिया है। दैट मीन्स आपको प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ये टाइम टू बी एग्जैक्ट अगर बोले हम, जो प्री की डेट इन्होंने डिक्लेयर की है दैट इज़ 17 फरवरी 2019 को प्री का एग्ज़ाम होना है। तो उस एग्ज़ाम से पहले आपको ऑलमोस्ट 4.5 मंथ का टाइम मिल जाता है, तो ज़्यादा समय मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। CGPSC ने इस नोटिफिकेशन को अपने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया है, बट फॉर सम रीज़न इनकी साइट डाउन चल रही है। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में अगर आपको परेशानी हो रही है और आपके पास नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्री एग्ज़ाम की डेट 17 फरवरी 2019 है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट तो हमारे लिए है 17 फरवरी, आज से ऑलमोस्ट 4.5 मंथ अवे। जितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है उतना अच्छा है, आज से ही शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि PSC के प्री एग्जामिनेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज और दूसरा होता है एप्टीट्यूड का। ये सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मीन आपका जो मार्क्स है वो इस सेक्शन का, एप्टीट्यूड सेक्शन का ऐड नहीं किया जाएगा। इसको सिर्फ देखा जाएगा कि आपने इसमें पास किया है कि नहीं। अगर आपने इस सेक्शन को पास कर लिया है तभी आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है जो कि जनरल स्टडीज का है वो आगे चेक होगा। अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लिए हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में तो आपका पेपर चेक नहीं होगा और आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आप सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करो, आपको स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए 33% मार्क्स जनरल के लिए और ST SC OBC के लिए 23% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। तो आपको इस सेक्शन में, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में इतने परसेंट मार्क्स के लिए आपको टारगेट करना है। प्री के सेकंड सेक्शन जनरल स्टडीज में आप देखोगे वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ और इंडिया GK या अदर GK जो भी है, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ कंबाइंड करके वो सेक्शन को बनाया गया है। तो वो सेक्शन आपका, ये सेक्शन स्कोरिंग सेक्शन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ से आप अपने मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में यहाँ से ही बनेंगे और यहीं से ही आप स्कोर करके मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाओ। और मेंस एग्जामिनेशन की डेट है 21, 22, 23 और 24 जून 2019 को। अच्छा, मेंस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बार के नोटिफिकेशन में मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन एक्सपेक्ट सम चेंजेस ऑन द सिलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा चेंज होगा, बट देयर विल बी सम चेंजेस, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि शायद, क्योंकि इन्होंने अभी तक सिलेबस दिया नहीं है, इसका मतलब कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वो तो आगे हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या बात हो सकती है, बट फॉर नाउ हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मे बी एक अंदाज़ा ये भी है कि इसके सिलेबस के बारे में और डिटेल हमको 26 नवंबर के आसपास या उसी दिन मिल सकती है CGPSC की तरफ से। मे बी उस दिन 26 नवंबर को इसकी डिटेल अपडेट कर दी जाए। ये सिर्फ अंदाज़ा है, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है या कोई खबर नहीं है ऐसी, बट स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं कि कुछ चेंजेस होगा और उसकी खबर जो है वो
26th ऑफ नवंबर के आसपास तक मिल जानी चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम लोग इस बारे में भी आपको फ्यूचर में अपडेट करेंगे, जब भी इसके बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी हम आपको अपडेट करेंगे हमारे इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब करना और भी ज़रूरी हो जाता है आप सबके लिए। अच्छा, अब बारी है बुरी खबर की। इस नोटिफिकेशन में बुरी खबर है, बहुत ही बड़ी बुरी खबर है ये, जो है पोस्ट नंबर ऑफ़ वैकेंसी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 160 है टोटल में, और उस पर सबसे डिसअपॉइंटिंग है डीसी की वैकेंसी सिर्फ 3 है। आपको डिजिग्नेशन वाइज ब्रेकअप पोस्ट का जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पीडीएफ का नोटिफिकेशन का, उस नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं। मैंने देखा, मेरे हिसाब से तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आप ज़रूर बताएं अपने व्यूज़ इस बारे में, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अच्छा, इस बार पोस्ट कम है, इसका मतलब ये है कि हम कट ऑफ हायर जाने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स के आसपास कट ऑफ था, तो इस साल हम मान के चल सकते हैं कि ये कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम होने से जो कॉल करेंगे, इवन जो मेंस के लिए क्वालिफाइंग होंगे, जो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और मेंस के लिए क्वालिफिकेशन होगा जिन लोगों का, उनके नंबर्स भी कम हो जाते हैं। जैसा कि पैटर्न है कि प्री एग्जामिनेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली जितनी पोस्ट रहती है उसका 15 टाइम्स नंबर जो है उतने लोगों को, उतने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए एंड देन फॉर इंटरव्यू 1:3। आपको जानते हैं इस चीज़ को। तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इस बार सिर्फ 160 है, तो मेंस के लिए क्वालिफाइंग करने के लिए भी लोग कम होंगे, तो इसी वजह से कट ऑफ भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से हमको मेहनत भी ज़्यादा करनी है और शुरुआत कर देनी है तैयारी की अभी से। इस चैनल पे हम आपको CGPSC से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं जो आपको हेल्प करने वाली है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। आपको इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई टॉपिक वाइज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस मिलने वाले हैं, और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हम करने वाले हैं आप सभी के लिए, एक टेस्ट पोर्टल लॉन्च करने वाली है हमारी टीम आरोहण। टेस्ट पोर्टल में आप रियल टाइम एग्जामिनेशन का जो एक्सपीरियंस होता है वो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत जल्द ही हमारी टेस्ट पोर्टल भी, टेस्ट सीरीज़ की जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वो लॉन्च हो जाएगी। आप हमारे इस चैनल पे आपको अपडेट भी मिल जाएगा कि हमारी टेस्ट सीरीज़ वाली वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, लुकआउट फॉर दैट। बाकी डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन जो है उसको रिफ़र कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के PDF को रिफ़र कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको अगर कोई परेशानी होती है, कुछ डाउट होता है, तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने किसी दोस्त को जिसको ज़रूरत हो इस जानकारी की उनके पास शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइज।